और मुट्ठी में है साइंस। हमारी पृथ्वी बिल्कुल इस उबले अंडे की तरह, इसकी बाहरी चट्टानी सतह एक साबुत परत नहीं बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों का गोला थी, फिर हुई लगातार बरसात, पृथ्वी ठंडी होकर ठोस पड़ने लगी। उसकी बाहरी सतह अंदर की तुलना में जल्दी ठंडी हुई, कठोर, और उसमें पड़ गई दरारें। वो प्लेटों में बट गई, हर प्लेट बहुत गहरी और बहुत विशाल। इन्हीं प्लेटों पर स्थित हैं हम, हमारे देश, नदियां और समुंदर। ये प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं, फिक्स नहीं, बल्कि ये तो बहुत धीमी गति से चलती रहती हैं, अपने नीचे की गर्म पिघली चट्टानों पर मानो बहती रहती हैं। और इसी चाल के कारण आते हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स। हर मुट्ठी में है साइंस। सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट, नाम पेंजिया। लेकिन समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से वो एक दूसरे से दूर होते गए, अलग हो गए, एक जिग-जॉग पजल जिसे तोड़ दिया गया हो। वैसे हमारा ये सोचना भी गलत होगा कि अब ये महाद्वीप जहाँ हैं वहाँ फिक्स्ड हैं। असल में ये तो खिसक रहे हैं बहुत धीमी गति से, एक साल में कोई 5 सेंटीमीटर। वर्ष 1960 तक वैज्ञानिकों ने यह तय कर लिया कि पृथ्वी की बाहरी ठोस परत 6 बड़ी महाद्वीपीय प्लेटों और 14 उपमहाद्वीपीय प्लेटों में बटी है। जिन जगहों पर प्लेटें मिलती हैं, वो हैं फॉल्ट ज़ोन्स। यहाँ भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा। प्लेटों में 3 तरह की गतियां हो सकती हैं। खिसकते समय वो एक दूसरे से टकराती हैं। यही टक्कर पृथ्वी पर पर्वत बनाती है, ज्वालामुखी भी। भूकंप का सबसे बड़ा कारण भी यही। दूसरी तरह की गति है एक दूसरे से रगड़ते हुए फिसलना। एक दूसरे को छूते हुए प्लेटों से भी पैदा होती है ऊर्जा। आते हैं भूकंप। प्लेटें एक दूसरे से अलग यानी दूर भी जा सकती हैं, इससे भी भूकंप आते हैं। असल में तीनों तरह की गति ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा जिससे पृथ्वी में कंपन होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटों की ये गति प्लेटों के सिरे या किनारों पर चट्टानों में मोड़ और दबाव पैदा करती हैं। चट्टानों में पैदा होता है तनाव। वैसे तो चट्टानें लचीली होती हैं, दबाव और तनाव सह सकती हैं। लेकिन जब ये बल बहुत ज्यादा हो जाए तो चट्टानें टूटती हैं, वापस बिना तनाव की स्थिति में आती हैं। इससे पैदा होती है ऊर्जा, बनती है भूकंपीय तरंगे। इस स्प्रिंग वाले खिलौने स्लिंकी को देखें। देखिए कैसे ऊर्जा की लहर एक सिरे से दूसरी तरफ भाग रही है, स्लिंकी वहीं की वहीं। बिल्कुल इसी तरह हैं प्लेट्स के टकराने और चट्टानों के टूटने से पैदा तरंगे, भूकंपीय तरंगे। ये तरंगे अंदर से बाहर की ओर जमीन की सतह की तरफ बढ़ती हैं, जमीन कांपती है। यही है भूकंप, जो जमीन के ऊपर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। धरती के अंदर जहां से भूकंप की तरंगें पैदा होती हैं, वो है फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस के ठीक ऊपर धरती की सतह पर बिंदु होता है, भूकंप का एपिसेंटर। भूकंप में क्षति तो होती है जमीन के ऊपर बनी इमारतों को हुई नुकसान से। भूकंप का मैग्नीट्यूड फोकस से दूरी के साथ नहीं बदलता, लेकिन भूकंप की इंटेंसिटी दूरी पर निर्भर करती है। रिक्टर स्केल का नाम सबने सुना है, ये भूकंप के मैग्नीट्यूड को नापने की संख्या है। हम कह सकते हैं कि भूकंप की तरंगों की ताकत नापने का स्केल। ये है सिस्मोग्राफ, धरती में पैदा तरंगों को नापने वाला उपकरण। पृथ्वी की सतह में होने वाली वाइब्रेशंस को ये एक ग्राफ के रूप में दर्ज करता है। इस ग्राफ को एक विशेष तरीके से नापा जाता है और रिक्टर पैमाने की संख्या दी जाती है। रिक्टर स्केल पर हर संख्या अपने नीचे की संख्या से 30 गुना ज्यादा ताकतवर भूकंप का नाम। जैसे
रिक्टर स्केल पर 6 की संख्या वाला भूकंप 5 के मुकाबले 30 गुना ज्यादा बलशाली और 7 की संख्या वाला 5 से 30 गुना 30 मतलब करीब 900 गुना ज्यादा ताकतवर। अब बात भारत की। हिमालय क्षेत्र सबसे बड़े सीस्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक। यहां कई छोटे बड़े भूकंप आए हैं। नक्शे पर दिखने वाला लाल क्षेत्र सबसे अधिक सीस्मिकली एक्टिव। यहां सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र भूकंप की आशंका। अब चलते हैं टेहरी गढ़वाल। बहुत सुंदर पहाड़ी इलाका लेकिन यहां की भूकंपीय गतिविधि बहुत ज्यादा। हम पहुंचे हैं एक रिकॉर्डिंग स्टेशन। यहां चमोली और उत्तरकाशी के भूकंप संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं और आते रहेंगे, इसीलिए हर देश की तरह भारत में भी वैज्ञानिक भूकंप पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक टेलीमेट्री नेटवर्क को यूज करते हैं। भूकंप संबंधी सारी रीडिंग्स और मैप्स मुख्य स्टेशन को भेजते हैं। यहाँ होता है विश्लेषण और अध्ययन। ये रिकॉर्डिंग स्टेशन काफी ऊंचाई पर है। यहाँ लगा सिस्मोमीटर लगातार काम करता है। यहाँ के साइंटिस्ट ने हमें समझाया अपने काम का तरीका। ये स्थानीय साइस्मोलॉजिकल नेटवर्क का एक रिमोट साइस्मोलॉजिकल स्टेशन है जिसे हमने टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र की लोकल साइस्मिसिटी का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया है। हर एक रिमोट साइस्मोलॉजिकल स्टेशन पर एक साइस्मोमीटर होता है जो धरती में होने वाले कंपन को रिकॉर्ड करता है। इस साइस्मोमीटर का आउटपुट इस रेडियो ट्रांसमीटर में आता है जहाँ से ये डेटा लगातार मुख्य रिकॉर्डिंग स्टेशन को ट्रांसमिट होता रहता है। डाटा इज कंटिन्यूअसली ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल रिकॉर्डिंग स्टेशन व्हिच इज लोकेटेड एट न्यू टेहरी टाउन। पृथ्वी के लिए भूकंप नए नहीं, लेकिन दुनिया भर में कहीं भी साइंटिस्ट अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं जो भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर सके।